When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. इज हैप्पी महाशिवरात्रि। तो आज है नेक्स्ट डे हम लोग का उज्जैन में, और सुबह सुबह के बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा होगा, 8:30-9 बज रहा होगा, और हम लोग यहाँ पे नहा धो के तैयार हो चुके हैं और निकल रहे हैं मंदिर के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई होगी। सो अभी हम लोग रास्ते में हैं, तो रास्ते में देख सकते हैं कि कितना भीड़ है, और जब मंदिर पहुँचते हैं तो वहाँ की भीड़ के तो क्या कहने। और वैसे भी महाशिवरात्रि है तो इस दिन तो भीड़ होनी ही थी, सो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो आप लोग बने रहिए और पूरा हम लोग का महाशिवरात्रि का व्लॉग देखिएगा, इसमें कितनी भीड़ थी, कैसे पूजा किया हमने, क्या सब वहाँ हुआ। सो आप लोग बने रहिए व्लॉग के साथ। तो आज के दिन जो है सभी लोग, लगभग लोग जो है पीला पीला ड्रेस में ही दिख रहे थे, जिसको देखिए वो पीला ड्रेस पहने हुए थे। और यहाँ पे हम मंदिर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे हम लगवा रहे हैं माथे पे भोलेनाथ का जो भी यहाँ का होता है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही पावन लग रहा था। Yeah!
हम दे रहे हैं। तो पूजा पाठ सब हो गया। वहाँ से निकलने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे चूड़ी या फिर जो भी सिंदूर वगैरह था वो सब खरीदने लग गए। अभी दो दिन तो और रुकना था, पर फिर भी मेला दिखा तो सोचे चलो थोड़ा बहुत ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग देख रहे थे चंदन पाउडर कौन सा ले। वैसे चूड़ी सब मुझे उतना मतलब बहुत महंगा महंगा था यहाँ पर फिर भी जो ठीक ठाक लगा लिया थोड़ा सा प्रसाद के रूप में, और उसके बाद जाकर चंदन पाउडर लिया। बस यही सब, मतलब ऐसा भी नहीं है कि चलो उज्जैन है तो बहुत सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक प्राइस पे है। और एकदम से भोलेनाथ का दर्शन करके इतनी तेज बाहर धूप थी और इतनी 3 घंटा तो लगभग हम सिर्फ चले हैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन के लिए, 3 घंटा लगातार चलना पड़ा और इतनी तेज़ धूप उज्जैन में, ओ माय गॉड। मतलब कि दिल्ली से जब हम लोग आए तो मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतनी गर्मी और इतनी धूप होगी वहाँ पर। और उस कतार में खड़े होते होते और भीड़ का तो क्या कहना, वो आप लोगों ने देखा ही। जबकि हम लोगों ने मतलब थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बनाया, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि इतना धक्का मुक्का हो रहा था, इतना एक दूसरे पे लग रहा था कि चढ़ जाएंगे, इतना मतलब सबको हो रहा था कि हम आगे बढ़े तो हम आगे बढ़े, तो इसलिए मोबाइल मैं ओपन करके नहीं रखती थी। और ऐसे भी मना भी था कि वीडियो ना बनाया जाए, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करके हमने वीडियो बनाया। बहुत भीड़ थी और धूप में तो पूरा बुरा हाल हो गया। हमने सोचा था कि निर्जल व्रत रखेंगे, पर इतनी तेज़ धूप और इतना हम मतलब ये गला सूखने लगा, लगा कि अब चक्कर खा के गिर जाएंगे। तो मतलब वहीं पे मैंने थोड़ा सा बस पानी पी लिया, व्रत तो कल छूटता हम लोग का, पर पानी थोड़ा पी लिया। और ये सीन आ गया आपको शाम का, यहाँ पे जो है सिप्रा नदी किनारे दीपदान होता है, दीप प्रज्वलित होता है, लाखों दीप यहाँ पे प्रज्वलित होता है। यहाँ पे भीड़ देखिए आप। और ये शाम के 6 बजे का वीडियो है, जब मैं थोड़ा सो के आराम करके उठी तो लगा कि नहीं मतलब हमारे होटल के बगल में ही था ये शिप्रा नदी किनारे, तो फटाफट उठी, जो पहनी थी वही पहनी रही और बस थोड़ा सा जो है कुल्ला उल्ला करके
फटाफट आई यहाँ से प्रा नदी किनारे, और यहाँ पे जो देखने को मिला ओह क्या सीन था यार, बहुत ही आनंददायक सीन था। और लाखों में यहाँ पे दीपदान होता था, सो देखिए आप लोग खुद ही देख लीजिए। दिखाने का वो सब हो गया, पूजा पाठ सब हो गया है, और अभी सामने भी गई थी आरती में, तो अभी आरती में से आए और काफ़ी चलना पड़ता है कहीं यहाँ से वहाँ, तो थक गई थी। मैं वो जो बोलो ना जो बड़ा सा पुल था, क्या बड़ा सा पुल जो था, बड़ा सा फूल था नहीं वो जो। तो अभी हम लोग होटल आ चुके हैं, और अभी मैंने अपना फेस वॉश पूरा कर लिया, पूरा वो जो चंदन टीका सब लगवाया था तो वो सब लगा हुआ ही था, सो अभी मैंने उसको अच्छे से वॉश किया। और जब हम जा रहे थे भोलेनाथ के दर्शन के लिए तो बहुत तेज़ धूप थी, बहुत तेज़ धूप, और इधर तो गर्मी भी है तो बहुत हालत ख़राब। तो फिर भी मैंने फेस नहीं धोया था क्योंकि वो लगा हुआ था जो पुल में महाकाल का मोमबत्ती जो लगा, हाँ बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने नहीं हटाया। पर मैंने अभी फेस वॉश कर लिया, और अब बस ड्रेस तो मैंने तभी चेंज कर लिया था दिन में ही जब पूजा करके आए थे 4 बजे, तभी कर लिए था, तभी कर लिया था जो साड़ी चेंज, क्योंकि साड़ी पहन के थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, तो फिर ये पहन ली, और सामने आरती में भी यही पहन के गई। और अब आ चुकी हूँ फाइनली, और अब कहीं नहीं जाऊँगी, बस फेस वॉश वगैरह सब कर लिया और यहाँ पे लेटे हुए हैं तो, पानी में सब जला था। हाँ, तो अब बस जो है देखते हैं थोड़ी देर जगूँगी, थोड़ा वीडियो वगैरह जिसको भेजना है भेज दूंगी, और एडिट नहीं करूंगी वीडियोस को, वीडियो काफ़ी लेट जाएगा, जब मैं घर जाऊंगी तभी जाएगा, बाकी देखती हूँ अगर होगा तो एडिट कर भी लूँगी। और लविया बोलिए सिपरा नदी था ना, सिपरा नदी के पास हम लोग गए थे, वहाँ पे काफ़ी सारा उसको क्या बोलते हैं दीपोदय, दीपदान होता है, तो बहुत सारा दिया जलाया जाता है, मतलब लाखों में बताइए 5 लाख 10 लाख मतलब गिनती नहीं है, इतना दीपदान वहाँ पे होता है। और आज के दिन क्या होता है कि पूरे उज्जैन में सबके घर में भी दिया जलता है, जिसके भी घर में आप जाइएगा, तो जैसे हम दीपावली में हर जगह दिया जलाते हैं, तो इस तरह से आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन सबके घर में दिया जलता है। तो कुछ ऐसा रहा आज का दिन, बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन काफ़ी थक गई हूँ, और फास्टिंग भी है, पर हम लोग का फास्टिंग ऐसा है कि धूप में बहुत चलने की वजह से थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होने लगा था, तो बस पानी पी लिया था। बाकी आज जो है व्रत नहीं तोड़ना है, व्रत टूटेगा कल पूजा पाठ करने के बाद, तो अभी बस हम लोग ऐसे ही सो जाएंगे। और यहाँ पे लव्या को मैंने चेंज वेंज कर दिया है, नीचे जीन्स खोल दिया, बस ऊपर टॉप पहनी है, तो बस ऐसे सो जाएगी अब, ठीक है। तो इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे ख़त्म, क्योंकि कल नेक्स्ट डे दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, कल देखते हैं होगा तो थोड़ा बहुत घूमने फिरने भी जाएंगे। तो इस आज का ब्लॉग मतलब महाशिवरात्रि का जो भी था वो मैं इसी ब्लॉग में ऐड करूँगी, और कल क्या नया होता है, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, तो कल कुछ न्यू ऐड करूँगी। सो इस ब्लॉग को मैं करना चाहूँगी यहीं पे ख़त्म, क्योंकि काफ़ी थक गई हूँ, और इसलिए मैं ज़्यादा कंटिन्यू भी नहीं रह पाई, क्योंकि इतना चलना पड़ा है कि पैर का पूरा बुरा हाल है, और ज़मीन जो है इतना गर्म था, और बिना स्लीपर के चलना तो पूरा फफूले फफूले टाइप हो गया है, सो काफ़ी थक गई हूँ। तो चलिए अब करते हैं आराम, और मिलते हैं अब कल अच्छे से ब्लॉग के साथ, इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए। चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हाँ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गुड नाइट, फिर से हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी लोगों को, भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें, गुड नाइट। Thank you.